गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल्स फाइन. ओके, टुडे रीड संस्कृत एंड अबाउट द थर्ड चैप्टर. फर्स्ट लुक एट द बुक तारांगड़ी. ओके, चैप्टर्स नेम अकरांत, पुल्लिंग, शब्दानाम, प्रयोग, एकवचनम. हम लोग पिछले वीडियो में ये यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हिरण तक. आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज. एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ. अयम का अस्ति या कौन है? अयम काक अस्ति या कौवा है? कौवा को संस्कृत क्या कहते हैं? काक. आप लोग कॉपी पे फिल करते जाइएगा, ठीक है? चंद्रमा, चंद्रमा को संस्कृत में राकेश कहते हैं. ऐशा का अस्ति या कौन है? ऐशा राकेश अस्ति या चंद्रमा है. सह का अस्ति वह कौन है? सर कृष्ण अस्ति या कृष्ण है? कृष्ण भी तो सभी जानते हैं. हिरण, हिरण को संस्कृत में क्या कहते हैं? मृग कहते हैं. ऐसा का अस्ति वह कौन है? ऐसा मृग अस्ति या हिरण है, या कौन है? या हिरण है. ओके, चलिए आगे चैप्टर देखते हैं. ये बैल है, ठीक है? ये ट्री है, पेड़ है, और ये घोड़ा है. ओके, बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऋषभ. श का अस्ति वह कौन है? श ऋषभ अस्ति या बैल है. ऐसा का अस्ति या कौन है? ऐसा अश्व अस्ति या घोड़ा है. ओके, सह का अस्ति वह कौन है? सह वृक्ष अस्ति या पेड़ है. आप लोग संस्कृत कॉपी पे ये पेड़ आप लोग बना लीजिएगा, और उसके बाद पेंसिल से स्केच करिएगा, ठीक है? वृक्ष और संस्कृत में वृक्ष लिखिएगा. ओके, अब क्वेश्चन आंसर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे. चैप्टर जो पढ़ाया गया है उसको आप लोग कॉपी फिल करते जाइएगा. पहले हम बता चुके हैं, ये पहले चैप्टर का नाम डालेंगे, फिर शाह लिखेंगे. शाह माने वह, कह माने कौन, ईशा माने यह, क्या है, इनको पहले लिख लेंगे जैसे लिखा. फिर उसके बाद जैसे चैप्टर में लिखा है वैसे आप लोग कॉपी पे फिल करेंगे. और जो जो चीज़ बुक पे फिल करना होगा वो हम बता देंगे, लेकिन जो चीज़ कॉपी फिल करना हो कॉपी फिल करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट.